यूपी के बलिया में लोकसभा चुनाव अपने शबाब की तरफ अग्रसर हो चला है। सभी दल, निर्दलीय उम्मीदवार और उनके समर्थक दिन रात क्षेत्र में पहुंचकर मतदाताओं को अपने पाले में करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सलीमपुर लोकसभा प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा के पक्ष में गांधी इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि साइकिल की चेन उतर चुकी है। 2014 में ही आपने साइकिल की चेन उतार दी थी। 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी आपने साइकिल की चेन को चढ़ने नहीं दिया और 10 साल तक जिस साइकिल पर चेन ना हो वो आगे कैसे बढ़ेगी। साथ ही कहा कि कांग्रेस की हालत भी खराब है, जैसे विश्व की धरती से डायनासोर लुप्त हो गए वैसे ही भारत से कांग्रेस लुप्त हो जाएगी। और बहनों भाइयों, साइकिल की चेन उतर चुकी है। 2014 में ही साइकिल की चेन आप लोगों ने उतार दिया। 2014 का जब लोकसभा चुनाव था उसी में आपने साइकिल की चेन उतार दी थी और 2017 के विधानसभा में भी आपने साइकिल की चेन को चढ़ने नहीं। 2022 का चुनाव हुआ उसमें भी, 2019 का चुनाव हुआ फिर भी आपने साइकिल की चेन को चढ़ने नहीं। 2022 का विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें भी आपने नहीं चढ़ने। अब बहनों भाइयों, 10 साल तक जिस साइकिल पर चेन हो ही न हो वो साइकिल आगे कैसे बढ़े। और कांग्रेस की हालत तो कितनी पतली हो गई है कि 2024 के चुनाव के बाद यदि हमारे 10 साल बाद नौजवानों से पूछेंगे कांग्रेस, तो अब पूछेगी कौन कांग्रेस। जैसे विश्व की धरती से डायनासोर लुप्त हो गए, मुझे लगता है भारत की धरती से अब कांग्रेस